आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम लगातार बढ़ रहे हैं हिंदुओं के मुकाबले, उनका घनत्व ज्यादा हो रहा है। तो क्या ये स्कीम लानी चाहिए? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से जो बांग्लादेश में हुआ है पॉपुलेशन वाला, वो अब भारत में लोग क्या कह रहे हैं। भारत में एक किसान नेता है, उनका वीडियो भी वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि जैसा बांग्लादेश में वैसा तो भारत में भी हो सकता है। आज हर जनरेशन में एक जनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे हमारे पिताजी गोंडा से फैजाबाद अयोध्या साइकिल से जाते थे और उनके लिए वो मजाक था। जैसे वो हमसे कहते थे कि यार अयोध्या ना जाई थे भैया, शाम तक आएंगे 50 किलोमीटर। आज की जनरेशन चाय पीने कार से जाती है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, आज के समय में एक बच्चा पैदा कर ले वही बहुत बड़ी बात है, संभाल ले वही बहुत बड़ी बात है, पाल पोस के बड़ा कर ले वही बहुत बड़ी बात है। अब 1970 का दौर नहीं है कि कोई भी खिला देगा। अब लोग अपने घर को नहीं खिला पा रहे, मां बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। माँ बाप जो जनरेशन माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रही कि टेंशन ना हो, वहां जनसंख्या वृद्धि वो एक ठीक है। लालू जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, कहते भाई बोबला तो मेरा मानना है कि ठीक है अगर सरकार जनसंख्या कानून लाती है तो मैं उसका नहीं, उनका खुद मैं वही बता रहा था, उनका परिवार खुद ही इतना बड़ा है भाई। एक समय जब ये बात हुई कि बिल आने वाला है कि भाई जिनके दो बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, तो लालू जी चूंकि हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि साहब आपके तो इतने बच्चे, आपको तो वैसे ही डिबार कर देंगे, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बोले मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे तो दो ही हैं, बाकी सब जगन्नाथ मिश्रा के हैं। पत्रकार तो सब बोले अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो। अरे बोले मेरा मतलब नहीं समझे, मेरे शासनकाल में सिर्फ दो ही बच्चे पैदा हुए। तो कानून पहले क्या था कि देश में किसी भी कानून को बनाने से पहले कानून का पैरामीटर देखा जाता है। हम चाइना तो है नहीं, अगर हम एक बच्चे की सिक्योरिटी देते हैं समाज को कि हम आपके बच्चे को एक बच्चे को मेडिकली, पहले बच्चा क्यों ज़्यादा पैदा होते थे, 6-7 पैदा होते थे, उसमें कोई खसरा से मर गया, कोई चेचक से मर गया, कोई पोलियो से मर गया, कोई मलेरिया से मर गया, इसलिए ज़्यादा होते थे। अब चूंकि हेल्थ सिक्योरिटी बढ़ गई है, सरकार चीज़ों को बचाने में सक्षम है, तो वो चाहे तो उस पर स्टेप ले सकती है, सर्वसम्मति से वो चाहे तो उस पर स्टेप ले सकती है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो रही है कि रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती है, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो सबसे बड़ा खतरा ये है कि रिसोर्स भाई पेड़ सारे कट जाएंगे। सबसे बात हम वही देख लें कि बिस्तर जमीन पर कोई सोने को तैयार नहीं है, तो पेड़ सारे कट जाएंगे। तो अगर जनसंख्या बढ़ी तो मुसलमान शासक बने ना बने सब ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। पर ये बात मुसलमानों को भी सोचनी चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू सोचे, ये बात इस देश के हर आदमी को सोचनी चाहिए कि रिसोर्स अगर कम हुआ, नेचुरल रिसोर्स, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, भोजन की शॉर्टेज हो जाएगी, चलो हम भोजन मान लेते हैं कि बहुत पैदा कर ले जा रहे हैं, भोजन हम छोड़ देते हैं, फिर रिसोर्स वन कम होते जाएंगे, भाई आप मकान बनाएंगे ना खेती के लिए और सारे जंगल आप साफ करते चले जाएंगे। आप अगर आपने सारे जंगल साफ कर दिए बसने के लिए खाने के लिए, फिर क्या होगा इस देश का, फिर तो सिर्फ हिंदू मरेगा मुसलमान भी मरेगा। तो व्यवहारिकता की दृष्टिकोण से इस देश के सभी तबके को इस बिल का समर्थन करना चाहिए।